वेलकम टू पीएसपीज वर्ल्ड। आज मैं बनाने जा रही हूँ कड़ी पकौड़ा। अक्सर ये शिकायत होती है कि पकौड़े हमेशा सख्त हो जाते हैं, लेकिन आज जिस तरीके से मैं बनाने वाली हूँ उसमें पकौड़े सख्त होने के चांस ही नहीं। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर ले। तो जी हाँ फ्रेंड्स, मैं प्राची चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ पीएसपी वर्ल्ड में। तो चलिए देखते हैं। पहले हम पकौड़े बना लेंगे। उसके लिए करीबन 200 ग्राम मैंने बेसन लिया है। इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालूँगी और इस चम्मच की सहायता से 4 चम्मच सादा तेल या फिर वेजिटेबल ऑयल या फिर सरसों का तेल भी आप डाल सकते हैं। अब इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। 1 बारीक कटा हुआ प्याज और 4 बारीक कटे हुए हरी मिर्च इसमें ऐड करूंगी। अब ऐड करूंगी इसमें पानी और पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करके इसको मिक्स करते जाना है फ्रेंड्स, नहीं तो ज़्यादा गीला हो जाने पे पकौड़े अच्छे नहीं बनेंगे। तो देखिए इस तरह से मिक्स करते जाना है और इसकी कंसिस्टेंसी ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ही ज़्यादा पतला ऐसे रखनी है। अब कढ़ाई में तेल चढ़ा लेंगे। तो मैं यहाँ पे 2 ऑयल मिक्स कर रही हूँ। पहले सादा तेल मैंने लिया है या फिर वेजिटेबल ऑयल और उसमें सरसों तेल, ये दोनों तेल मैं मिक्स कर रही हूँ और तेल गर्म हुआ कि नहीं उसका पहले टेस्ट कर लिया मैंने। अब पकौड़े छान लेने हैं। तो देखिए इस तरह से थोड़े थोड़े करके पकौड़े डालने हैं। जैसे ही नीचे का सरफेस लाल हो जाता है फिर इसको 1 चम्मच की सहायता से उलट दीजिएगा। तो इस तरह जब दोनों साइड तल जाए अच्छे से तब इस तरह हिला के फिर इसको निकाल लेना है। इसी तरह से हम सारे पकौड़े छान के निकाल लेंगे। अब कढ़ी का पेस्ट बना लेंगे। तो इसके लिए मैंने 250 ग्राम दही लिया है और उसमें 4 चम्मच बेसन ऐड कर रही हूँ। इसमें 1 चम्मच नमक, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, ये सब एक साथ मैं मिक्स कर लूँगी। इससे दही बेसन सब एक साथ फेंटना भी हो जाता है। अब मिक्स करने के बाद इसमें मैं पूरा कटोरी भर के पानी ले लूँगी और इसको अच्छे से पानी में मिक्स करके घोल बना लें। ये देखिए पकौड़े कैसे सॉफ्ट बने हैं फ्रेंड्स। अब कढ़ाई में तेल गरम करके 1 चम्मच 5-फोरन ले लूँगी और उसमें 1 चम्मच सरसों भी डाल दूँगी। जब सरसों तड़क जाए तब उसमें लाल सूखी मिर्ची फ़ोरन के तौर पे डाल दूँगी। अब इसमें कटी हुई अदरक, बारीक कटी हुई लहसुन डाल के अच्छे से फ्राई हो लेने देंगे। जब इसका खुशबू आने लगे तब इसमें बारीक कटे हुए प्याज ऐड करूँगी। तो इसमें प्याज मैंने 2 मीडियम साइज़ के काटे हैं और हरी मिर्च भी बारीक कटे हुए मैंने 4 से 5 हरी मिर्च इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहे तो लाल मिर्ची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं हरी मिर्च का ही पसंद करती हूँ। लाल मिर्ची पाउडर से रंग तो अच्छा आता है लेकिन पेट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो देखिए प्याज फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें बेसन का घोल डाल दूंगी। इसमें कटोरी का धुला हुआ पूरा पानी भी इसमें डाल दूंगी। मतलब कुल मिला के आपको इसको पतला बनाना है। अब पानी डालने के बाद इसको अच्छा से मिला लेंगे और इसको बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए ये अच्छी तरीके से बॉयल हो रहा है। इसको अच्छे से मिला लेंगे और
जितने भी पकौड़े तल के रखा हुआ है वो पकौड़ा थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे, सब पकौड़े डाल देंगे। लेकिन पकौड़े मैंने आपको दिखाए थे कितने सॉफ्ट बने हैं, आप इसी तरह से पकौड़े तलेंगे तो पकौड़े सॉफ्ट बनेंगे। अब पकौड़े डालने के बाद इसको फिर बॉयल होने के लिए छोड़ देना है, करीबन 5 से 7 मिनट तक बॉयल होने दीजिए। और फिर कढ़ी का आप कितना गाढ़ा रखना चाहते हैं उस हिसाब से बॉयल होने दीजिएगा। तो देखिए मेरा कढ़ी ठीक ही है, बन चुका है, तो इसलिए मैं लास्ट फिनिशिंग धनिया पत्ता में डाल रही हूँ। कढ़ी को थोड़ा पतला ही उतारना बेहतर रहता है, क्योंकि बाद में जब कढ़ी ठंडी होती है तो ग्रेवी उसका थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, तो इसलिए थोड़ी पतली उतारेंगे तो ठीक रहेगा। तो चलिए कढ़ी हमारा बनके तैयार है। तो आपको ये रेसिपी अगर अच्छा लग रहा है, मेरी वीडियोस अगर पसंद आती है, तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए कैसा लगा। तो कढ़ी पकौड़ा अपने घर में भी बनाइए, बना के ट्राई कीजिए कैसा लगता है, मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।